बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अच्छा, आज की रेसिपी चिकन कुरमा है, माशाल्लाह से बहुत अच्छी बनी है। देखिए, आगे का प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है, एकदम आसान है। देखिए, आधा किलो चिकन ली हूँ मैं, इसमें काली मिर्ची पाउडर 1 स्पून ली हूँ और काला नमक 1 स्पून ली हूँ, यानी पेपर पाउडर 1 स्पून ली हूँ। और इन तीनों को अच्छे से मिला लेना है चिकन में। चिकन को ये मसाला और नमक अच्छे से लग गए जैसा मिला लेना है और इसे थोड़ी देर में साइड में रख देना है रेस्ट के लिए। और यहाँ मैं ब्रास का एक बर्तन ली हूँ, यानी तांबे का बर्तन बोल देना, वो ली हूँ मैं। इसमें थोड़ा सा तेल ली हूँ, ज़्यादा नहीं। इसमें ज़ीरा 1 स्पून के करीब ली हूँ और 2 प्याज के डली को मैं मिक्सी के जार में ग्राइंड करके इसे भून लेती हूँ। देख लीजिए, अच्छे से भूनना है, ज़्यादा लाल करना नहीं है। नहीं, प्याज को हल्का सा भून लेना है बस। अब यहाँ अदरक और लहसुन को फ्रेश कूट लेती हूँ मैं, फ्रेश अदरक और लहसुन के पेस्ट को डाल लेती हूँ, दरदरा सा कूट ली हूँ, ज़्यादा नरम नहीं। 2 स्पून डाली हूँ मैं। इस तरह चिकन हो, मटन हो, जब भी साला बनाते हैं तो फ्रेश अदरक मसाला ही टेस्ट आता है ज़्यादा, इस तरह डाल लेना है बस। अच्छे से भून लेना है इसमें अदरक मसाला। इसमें चिकन मैं ऐड कर लेती हूँ। अब ये चिकन है, अगर मैं मिक्स करके रख ली थी वो साइड में थोड़ी देर के लिए, वो अब सारा चिकन इसमें ऐड कर लेती हूँ। इसे अच्छे से चम्मच से मिला लेती हूँ मैं। देखिए, यहाँ तेल तो बिल्कुल नज़र नहीं आता होगा आप लोगों को, ये पकने के बाद ऊपर आ जाएगा। यहाँ मैं हल्दी 1/2 स्पून डाली हूँ और धनिया पाउडर 1 स्पून और चिकन मसाला 1 स्पून डाली हूँ। इसमें अच्छे से मिलाकर, और टमाटो प्यूरी यहाँ साइड में रख ली हूँ मैं, घर में ही तैयार कर ली हूँ, बाहर की नहीं है ये। और ये इसमें मिला लेना है। इस टमाटो प्यूरी में पकने के लिए 2 मिनट छोड़ देना है। देखिए, मैं अच्छे से मिलाकर इसे ढाँक कर छोड़ दी थी, ये पक भी गई है हमारी अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, तेल भी थोड़ा थोड़ा सा ऊपर नज़र आता होगा, इसका मतलब है हमारा टमाटो पूरी में चिकन और ग्रेवी अच्छे से पक गई है। और यहाँ मैं फ्रेश क्रीम डाल दी हूँ, वाइट क्रीम, ये साले में अच्छा सा टेस्ट देता है। अच्छे टेस्ट के लिए ये क्रीम ज़रूरी है। और इसके बाद मैं यहाँ दही को भी अच्छे से मिला ली हूँ, नरम कर ली हूँ, इसे भी डाल लेना है इसी में। अब इनको मिला लेना है। अब मैं नमक और मसाले को थोड़ा देख कर चेक करके मैं डाल लेती हूँ। पहले मैं चिकन में नमक और पेपर पाउडर मिला कर रखी थी, इसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ कम हो तो मिला लेती हूँ। और लाल मिर्च मसाला मैं यहाँ 1 स्पून डाली हूँ और पेपर पाउडर 1 स्पून डाली थी पहले। अब नमक 1 स्पून यहाँ और डाली हूँ। बराबर हो गया हमारा मसाला, स्पाइसी सालन बन गया है। देखिए, बहुत ही मज़ेदार बन गया है अल्हम्दुलिल्लाह। देखने में तो बहुत ही खूबसूरत और अच्छा मज़े का दिखता है, स्पाइसी भी बन गया है अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें चपाती खाने में बहुत ही अच्छा रहता, जारी की रोटी में तो और भी अच्छा रहता। अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छे से बन गया है। देखिए, इस तरह से बना लो और अच्छे से बन जाएगा। सिंपल इजी से है ये रेसिपी, बिल्कुल आसान है, हर कोई बना सकता है। एक बार बनाकर देख लो और शुरू कर लो, घर में खा लेंगे सब लोग मज़े से अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरा चैनल आपको मुनासिब लगा और मेरी रेसिपी आप लोगों को पसंद आ रही हो तो एक मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए। मेरे चैनल का नाम है मोहम्मद अहमद HA डेली ब्लॉग है और फैमिली ब्लॉग भी है इंशाल्लाह। और मेरे चैनल को एक लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। और रमज़ान भी आ चुका है हमारा अल्हम्दुलिल्लाह, और इबादतों के साथ, रोज़ों और इफ्तारियों के साथ, सहरी के साथ इंशाल्लाह मिलते हैं हर रोज़ एक नई रेसिपी के साथ। देखिए, आज यहाँ मेरे बेटियाँ हैं और मेरे बेटियों को खिलाती हूँ और उनसे मैं पूछ लेती हूँ खुशी खुशी से। और कई दिनों के बाद मैं मेरी बेटियों के साथ बैठी हूँ, खा रही हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हाथों से भी खिलाई हूँ और उनको भी बहुत पसंद आया है। कैसा है यानी? माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है। आयमन कैसा है बेटा? माशाल्लाह अच्छा है।